हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में, तो उनको यह नहीं पता होता है कि किस तरह से वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसके कारण से उनके वीडियो पर व्यू नहीं आता है। मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प किया है और काफ़ी लोगों को मैंने चैनल बनाया है और बनाकर उनको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका मैंने बताया है, जो कि मैंने उनका 2-3 ही वीडियो बनाया और उनका जो है रैंक में वीडियो गया है। तो कौन सा ट्रिक मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका जो चैनल है, सिर्फ 3 वीडियो ही अपलोड है और इनके चैनल पे जो व्यू है, जो देख सकते हैं आपके नज़र में है, और यहाँ पे मैं इनका वीडियो अपलोड किया था स्टार्टिंग में ही। यह तीनों वीडियो मैंने ही अपलोड किया था और चैनल भी मैंने ही बनाया था, पर यह कंटिन्यू काम नहीं करने के कारण इनका जो है ग्रोथ डाउन हो चुका है। तो अगर आप रेगुलर काम करते हैं यूट्यूब में, तो आपका एक न एक दिन आपका वीडियो वायरल 100% हो जाएगा। तो कौन सा ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे वीडियो में टैग लगाएंगे, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, थंबनेल कैसे बनाएंगे, थंबनेल अपलोड कैसे करेंगे, ये सारा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को और सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फाइनली मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपने मोबाइल से वीडियो अपलोड करूँगा। मैं हर वीडियो मैं अपना मोबाइल से ही अपलोड करता हूँ। तो अपलोड कैसे करता हूँ, तो यहाँ पे अपना YouTube जो है एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे YouTube जो है आपको खुल चुका है, और अपलोड करने के लिए आप अपने चैनल को यहाँ पे देख लेंगे कि उस ईमेल आईडी से लॉगिन है या नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे, देखेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पे RKR टेक्निकल है, तो यह चैनल है और इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करके बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपना वीडियो सारा वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड ए व्यू है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी वीडियो है वह वीडियो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है भारत ऑप्शन एप्लीकेशन के बारे में, उसका रिव्यू किया था, तो उसे मैंने यहाँ पे अपलोड करके बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर भी आप यहाँ पे वीडियो में ऐड करेंगे, जो कि आपको कोई भी वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आया यूट्यूब की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वीडियो जो है इस तरह से आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे आपका साउंड आएगा और जो भी है वीडियो आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका चैनल का नाम है यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, जो वीडियो का टाइटल है, जैसे कि आप किस रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, जो भी आपका वीडियो का मेन टॉपिक है वह टॉपिक यहाँ पे आप टाइप करेंगे। एंड यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लोकेशन आपको ऐड नहीं करना है, यहाँ पे आप ऐड ए प्लेलिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे। प्लेलिस्ट बनाने से आपको बेनिफिट मिलता है कि आप कौन सा वीडियो बनाया है। जैसे कि एप्लीकेशन के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एप्लीकेशन में प्लेलिस्ट मैंने बनाया है ऐप्स का, तो यहाँ पे ऐप्स सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे डन है, डन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टाइटल लिखना है, तो यहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो है तो वह टाइटल यहाँ पे डालेंगे या बाद में भी इसे अपडेट करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सबसे पहले इसे अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सारा डिटेल्स मैं आपको अपलोड करूँगा, जो कि फाइनल पब्लिश होते होते इसे मैं सारा कुछ यहाँ पे फाइनल कर दूँगा, जो कि टैग से लेकर डिस्क्रिप्शन तक मैंने लगा दूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ कुछ भी यहाँ पे टाइटल में लिख लेंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक है जो कि यस इट्स मेड फॉर किड्स, तो यानी कि यह वीडियो जो है एक बच्चा देख सकता है, तो उसके लिए यस करेंगे। अगर आप यह बच्चा को आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। तो लगभग वीडियो में मैं नो ही करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ 18 वर्ष के ऊपर के लिए वीडियो है इन्फॉर्मेशन के तौर पे, तो यहाँ पे अगर आप बच्चे के लिए वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आप बच्चे के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपलोड वीडियो है, ऑप्शंस है, यहाँ पे अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ देर वेट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में फिर से डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आप यहाँ पे TubeTV एप्लीकेशन इसे आप डाउनलोड करेंगे एंड YT स्टूडियो भी आपको डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे YT स्टूडियो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इस एप्लीकेशन को भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, तो इसे मैं यह दोनों एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में हमेशा डाउनलोड करके रखेंगे। यही दोनों एप्लीकेशन के माध्यम से मैं अपना सारा वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि बड़े से बड़े यूट्यूबर भी इसी दोनों एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो अपलोड करते हैं। जो अगर मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं बड़े से बड़े यूट्यूबर, तो यही दोनों एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो अपलोड करते हैं। यह दोनों आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे।
तो जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जो वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो सबसे पहले आपको यह नया तरीका से खुलेगा, तो आप जब चैनल इसमें ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना चैनल को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो अपलोड अभी फाइनल नहीं हुआ है, कुछ देर वेट करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं कि जो कि वीडियो अपलोड हो चुका है और यहाँ पे आपको वीडियो को फाइनल आपको सेटिंग्स करना है। तो यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन है पेन का, तो इस पेन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको टाइटल चेंज करना है, अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो सबसे पहले इसे टाइटल को अपने मन मुताबिक नहीं रखेंगे। आप यहाँ पे YouTube को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे अपने चैनल का जो है इसे चेंज कर देंगे, दूसरे ईमेल आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है एंड यहाँ पे सर्च है, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करेंगे जैसे कि किस रिगार्डिंग आपका वीडियो बना हुआ है। यहाँ पे मैं भारत ऑप्शन एप्लीकेशन का रिव्यू किया है, तो जो भी आपका वीडियो है जिस रिगार्डिंग है उस रिगार्डिंग यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि आप कुछ भी सीखने के लिए वीडियो सर्च करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने भारत ऑप्शन यहाँ पे टाइप करेंगे और यह ऐप्स है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि सबसे टॉप में किन का वीडियो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे टॉप में इनका वीडियो है, तो उसके बाद इनका है, इस तरह से जो भी वीडियो है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो उस प्रकार से जो भी टॉपिक है आपका यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सर्च करने के बाद आप स्पेस टाइप करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे टॉप में है भारत ऑप्शन ऐप्स में अकाउंट कैसे बनाएंगे, जो कि मैंने बताया है कि भारत ऑप्शन एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इसे मैं सिलेक्ट किया, इसे आप कॉपी कर लेंगे जैसे कि मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको फिर से YT स्टूडियो में जाएंगे एंड यहाँ पे टाइटल में इसी को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस टाइप करेंगे एंड फिर से आप अपने YouTube को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे दूसरे टॉपिक में भारत ऐप्स रिव्यू, तो यहाँ पे रिव्यू लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आ चुका है रिव्यू एंड इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह से आपका जो भी टॉपिक है और टॉपिक यहाँ पे सर्च करेंगे और उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आप नए यूट्यूबर हैं तो सबसे पहले जो टैग है उसी टैग को यहाँ पे आप डालेंगे। मेन है जो कि आपका स्टार्टिंग पीरियड में इस टैग के माध्यम से ही वीडियो ऊपर तरफ जाता है, जो कि आपको टैग के माध्यम से भी जाता है, साथ ही साथ टाइटल के माध्यम से वीडियो ऊपर की तरफ जाता है, 1 to 10 में वीडियो आपको रैंक करता है। टाइटल लिखने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइटल को कॉपी कर लेंगे, टोटली यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पे आप ऐड डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आपको टाइटल लिखा है वह टाइटल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे 5000 वर्ड्स में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बैक करेंगे, बैक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट है जो कि यहाँ पे ऐड पहले मैंने कर दिया है और यहाँ पे मोर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे टैक्स ले करने के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टैक्स है, तो यहाँ पे ऐड टैक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टैग लगानी है, तो यहाँ पे फिर से आप यूट्यूब को ब्राउजर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे फिर से भारत जो है जिस रिगार्डिंग आपका वीडियो है टॉपिक यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे भारत ऑप्शन मैंने टाइप किया है तो काफ़ी सारा यहाँ पे आपको जो है टॉपिक सर्च होके आ चुका है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि अकाउंट कैसे बनाया है, इस मैंने टैग लिया है जो कि मैं टाइटल भी रखा है, तो इसे मैं फिर से कॉपी करूँगा और फिर से यहाँ पे टैग्स में लगा दूँगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे कॉमा भी लगाएंगे तो आपको टैग लग जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप स्पेस टाइप करेंगे इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो भी टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे टैग लग जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, देख सकते हैं कॉमा टाइप करते ही आपको यहाँ पे टैग ऐड हो चुका है। उसके बाद आपका रिव्यू है, रिव्यू के रिगार्डिंग टॉपिक मैंने टाइटल में ऐड किया है, तो यहाँ पे इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे आपका टॉपिक है जिस रिगार्डिंग आपका वीडियो है उस रिगार्डिंग आप टॉपिक यहाँ पे कॉपी करेंगे और यह टाइटल जो आपने लिखा है दोनों टाइटल को यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको SEO करना है, यानी कि आपका जो भी टॉपिक है टैग लगाएंगे वह टैग आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, तो उसके लिए आप कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताया था कि एक एप्लीकेशन है जो कि आपको डाउनलोड करना है जो कि TubeBuddy एप्लीकेशन है, तो वह एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे, वह आपको परचेज करना होता है जो कि मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है जो कि मेरे मोबाइल में है, मैं अपने मोबाइल का मेन चैनल वाला मोबाइल में मैं अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को खरीदने के लिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 190 रुपये पर मंथ आपको देना होगा। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको टैग का एसईओ करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है टैक्स एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी YouTube ब्राउजर से कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ कि भारत ऑप्शन एप्लीकेशन से पैसा कैसे कमाएं, तो यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे टैक्स में पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसका सर्चेबल क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं सर्च वैल्यू जो है एवरेज में है और कंप्लीशन वेरी लो है। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीशन बहुत ही कम है और यहाँ पे जो है ओवरऑल है गुड है, यानी कि इस टॉपिक को अब कोई भी व्यक्ति सर्च करता है तो यहाँ पे आपका जो वीडियो है ऊपर आने का चांस 100% है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है, तो इसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया है और यहाँ पे टैग में इसे 100% लगाएंगे, क्योंकि यह जो है टॉपिक जो भी वीडियो अपलोड करता है बंदा वह यह टॉपिक को बहुत ही कम डालता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो कि सर्च जो है वैल्यू एवरेज है, मतलब मीडियम है। जो भी व्यक्ति सर्च करते हैं कंपटीशन किन से जो वीडियो अपलोड करते हैं उनसे ज़्यादा सर्चेबल है। तो यहाँ पे जो सर्च करता है वह व्यक्ति के पास जाने के लिए यह वीडियो एक ऑटोमेटिक इस टॉपिक के माध्यम से चला जाएगा। तो इस तरह से आप 5-10 जो है टैक्स यहाँ पे आप YouTube से लेनी है। तो जो भी टैक्स है यहाँ पे आप उसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वहाँ पे ट्यूबडी में वहाँ पे आप देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप्स है, तो यहाँ पे इसे कॉपी में किया और इसे भी मैं देखता हूँ कि इस टैक्स का क्या रेशियो है। तो यहाँ पे फिर से मैंने टाइप किया और सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैक्स को कॉपी पेस्ट किया, सर्च किया। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज है और कंप्लीशन जो है वेरी हाई है, जो कि जो भी व्यक्ति वीडियो बनाते हैं वह टैक्स इस टैक्स को लगाए ही करते हैं। तो यहाँ पे वेरी हाई है और ओवरऑल जो है वेरी बैड है, यानी कि यह टैक्स जो लगाएंगे तो आपका वीडियो टॉप में नहीं आएगा। ऑलरेडी किसी का रैंक कर रहा है इस टॉपिक के माध्यम से, यानी कि इस टैक्स के माध्यम से, तो इसे आप नहीं लेंगे, इसे छोड़ देंगे। इसी में आप 2022 टाइप कर देते हैं तो आपको देखते हैं कि क्या आता है। तो 2022 मैंने यहाँ पे टाइप किया, सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपको एवरेज आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज, सर्च भी एवरेज में है, कंपटीशन भी एवरेज में है, ओवरऑल में गुड है। तो इसे आप 2022 लिखे हैं तो यहाँ पे लगाने के लिए दे रहा है, तो इसे आप लोग कॉपी कर लेंगे, इसे लगाएंगे, क्योंकि 2022 में जो भी वीडियो बना होगा और वह वीडियो लास्ट में 22 लगाएगा तो वह यह वीडियो आपको रैंक करके ऊपर में ले जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2022 लिखा है और टैग में यहाँ पे टाइप कर देंगे, सर्च कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे YouTube से 5-10 इस तरह से टैक्स ले लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउजर को, और यहाँ पे आपको सर्च करेंगे ऑप्शन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया और गो बटन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपको यह एप्लीकेशन का जो भी है आपको गूगल में सर्च होता होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लोग यह भी खोजते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे कि इस टॉपिक के जो है आपको यहाँ पे 6 टॉपिक लिखा हुआ है, 6 टैग्स को यहाँ पे कॉपी करेंगे और आपको यह टैग्स को अपने टैग में लगाएंगे, यूट्यूब टैग में लगाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं भारत ऑप्शन ऐप्स डाउनलोड, उसके बाद भारत ऑप्शन ऐप्स रियल है या फेक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भारत ऑप्शन ऑनलाइन ट्रेडिंग, उसके बाद फ्रेंड्स लिखा हुआ है भारत ऑप्शन ट्रेडिंग लॉगिन, उसके बाद भारत ऑप्शन ऐप्स डाउनलोड फॉर पीसी, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भारत ऑप्शन ऐप्स रिव्यू। तो यह जो है रिव्यू के बारे में ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, तो यहाँ पे यह जो है इसे कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे भारत ऑप्शन जो है ऐप्स रियल है फेक है, यहाँ पे प्रीव्यू पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा सबसे टॉप में, तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे। काफ़ी लोगों के मोबाइल में कॉपी नहीं होता है तो यहाँ पे अपने इस तरह से कॉपी करेंगे जो मैंने ट्रिक बताया है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अपना टैग को पेस्ट कर देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, तो इस तरह से देख सकते हैं जो कि मैंने टैग को लिख दिया है। उसी प्रकार से फिर से आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं जो भी टैग लगा हुआ है ये सभी टैग्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपना पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी आपको टैग मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मिलती जुलती खोज है, यानी कि जो आपने वीडियो बनाया है उससे रिगार्डिंग जो भी टैग्स है यहाँ पे वो भी आ जाएगा टैग्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग यह भी सर्च करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है भारत ऑप्शन कस्टमर केयर नंबर, तो यहाँ पे यह एप्लीकेशन का कस्टमर केयर का नंबर भी खोज रहे हैं कुछ लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं हम भारत ऑप्शन ऑनर, इसके माने एप्लीकेशन का जो ऑनर है उनका नाम जानना चाह रहे हैं, तो उससे रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे आपको लिख कर आ जाएगा इसको भी आप अपना कॉपी करके यहाँ पे टैग लगा देंगे। तो इस तरह से सारा टैग मैंने लगा दिया है एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको ऑप्शंस है कैटेगरी,
तो किस कैटेगरी के आपका वीडियो है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एजुकेशन पर्पस है या आपका टेक्निकल कुछ है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। म्यूजिक के रिलेटेड वीडियो है तो यहाँ पे गेमिंग के रिलेटेड है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो वीडियो का कैटेगरी है वह कैटेगरी यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट करेंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे एक कमेंट्स है, अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ करेंगे, अगर आपका कोई कमेंट्स नहीं करे तो उसके लिए यहाँ पे डिसेबल कमेंट्स यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमेंट्समेंट्स अलाउ करेंगे, जो कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका व्यूअर आपको कमेंटमेंट करे तो उसके लिए अलाउ पे ही रहने देंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस है जो कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शंस है। अगर यह वीडियो आपका कोई कॉपी करता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, एक अच्छे सब्सक्राइबर होने के बाद यह आपको फैसिलिटी मिलता है। और अगर आप नए हैं तो यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स, जो कि कोई भी व्यक्ति आपका इस्तेमाल करेगा तो आप उसे परमिशन देते हैं तो यहाँ पे अपना सिलेक्ट करेंगे। जो कि आप नए यूट्यूबर हैं तो यहाँ पे आप परमिशन देंगे, जो कि आपका वीडियो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे आपको क्या होगा कि आपका बेनिफिट होगा, वह वीडियो आपको देखेगा, वह वीडियो कॉपी करके अपलोड करेगा तो इससे आपका बेनिफिट होगा। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से बैक करेंगे एंड यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइटल भी और टैक्स भी लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात आता है डिस्कशन का, तो डिस्कशन में फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउन करेंगे और यहाँ पे जो आपने टैग लगाया है वह सारा टैग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी टैग मैंने लगाया है 500 वर्ड्स में, तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये लगाएंगे हैच, और यहाँ पे जैसे कि किस पर्पज से आपका वीडियो है, तो यहाँ पे जैसे भारत एप्लीकेशन जो है उस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो यहाँ पे भारत ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया तो इस तरह से आप हैच लगाकर यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो कि इस जो टैग है इस तरह से हैच लगाकर 338 वीडियो में लगा हुआ है, जो कि 373 चैनल वाले ने इसे यूज किया है। तो यहाँ पे आप भी यूज कर लेंगे एंड फिर से नीचे कर लेंगे एंड यहाँ पे फिर से स्टाइल आएंगे और यहाँ पे फिर से आप जैसे कि जो भी वीडियो का टॉपिक है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि भारत पे एप्लीकेशन रिव्यू यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ, तो यहाँ पे भारत ऑप्शन एप्स, यहाँ पे एप्स टाइप किया और यहाँ पे बैक करेंगे। इस तरह से आप अपना लगा देंगे, जो कि हैच लगाकर जो भी आपको इस तरह से आप खोजेगा कोई भी वीडियो तो सबसे पहले आपको चला जाएगा ऊपर टॉप में, तो फिर दो तीन यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वीडियो में जो भी कुछ आपने बताया है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपना चैनल का लिंक देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिंक दे रखा है एंड इस तरह से अपना लिंक दे देंगे। अगर आप नहीं देना चाहते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नए हैं तो छोड़ सकते हैं, पुराने हो जाने के बाद यहाँ पे देना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यूवर आपसे बात करना चाहे तो यहाँ पे ही लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज़ और यहाँ पे आपको डिस्कशन में ऐड करना है, हमेशा हर वीडियो में करना है, जो कि डिस्क्लेमर, यानी कि कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसमें आप क्या समझाते हैं नहीं समझाते हैं एक यूट्यूब वाला नहीं जानता, आपको यही जानता है कि आपने जो वीडियो डाला है एजुकेशन पर्पस के लिए डाला है या आप किसी हैक करने के रिगार्डिंग डालते हैं या आपको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट डालते हैं, तो उसके रिगार्डिंग से बचने के लिए आपको डिस्क्लेमर लिखना होता है। तो वो डिस्क्लेमर आपको नीचे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्क्लेमर पेस्ट किया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्लेमर है, और इस डिस्क्लेमर को हमेशा हर वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ लिखने के बाद देख सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख दिया है और यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है एंड यहाँ पे बैक करेंगे एंड उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेव है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिर से इस कलम वाला बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको थंबनेल लगानी है। थंबनेल लगाने के लिए यहाँ पे आप पेंसिल का आपको चिन्ह होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कस्टम थंबनेल, आप थंबनेल बना लेंगे अपने मोबाइल से। उसके बाद यहाँ पे जो आपने थंबनेल बनाया है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे भारत ऑप्शन एप्लीकेशन का थंबनेल बना लिया है, ऑलरेडी बना कर रखा है, यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे डन करेंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइनली सब कुछ हो चुका है, जो कि वीडियो में जो भी टैग लगानी है, थंबनेल लगानी है, मैंने यहाँ पे सारा कुछ लगा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, जो कि 34 मिनट हो चुका है और इस 34 मिनट के बाद एक घंटा के बाद ही आप यहाँ पे वीडियो को पब्लिश करेंगे। तो मैं वीडियो सिर्फ बनाने के लिए मैं जस्ट ही अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आप डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, सारा कुछ देखना चाहते देख लेंगे और यहाँ पे अनलिस्टेड मैंने किया था अपलोड करते समय, तो यहाँ पे अनलिस्टेड पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे पब्लिक है जो कि पब्लिश करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से बैक करेंगे एंड यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो भी सब्सक्राइबर होगा ऑटोमेटिक वहाँ पे उनको सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका वीडियो एक घंटे के बाद जब अपलोड करेंगे तो आपका जो टैग है उसका रेशियो हो चुका होगा। उसके बाद आपका वीडियो जो है जस्ट सर्च करेंगे अपने दो चार मोबाइल से और जो टॉपिक पे वीडियो बनाया है उसी टॉपिक को सर्च करेंगे यूट्यूब में और वहाँ पर अपना वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। आपका वीडियो अगर 20-25 पाद आता है फिर भी उसी वीडियो पर जाएंगे जो आपने वीडियो बनाया है, 10-15 मोबाइल से देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका वीडियो जो है रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।